Okay, hello students. This is Dr. Neha Verma. We are now going to cover in the upper classes in this recording. Okay. Before this, I already introduced in the previous recording that what do you mean by upper class? Upper class का मतलब ये होता है कि एक चीज से जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कि अगर मेरे को किसी को गिफ्ट देना है, मैंने किसी को परफ्यूम दिया. तो आप जब परफ्यूम किसी को देते हो तो या तो जनरली वो रैप्ड होता है बॉक्स के अंदर, ठीक है, तो उसको कहेंगे रैप करना, ठीक है. और जब वो जिसको दिया है वो एंटिटी उसे यूज करने के लिए यूज करेगी, तो वो क्या करेगा? कोई भी जो उसे यूज करने के लिए उस डब्बे से, उस बॉक्स से उसे बाहर अनबॉक्स करना पड़ेगा, तो उसको अनरैपिंग कहते हैं, ठीक है. तो इसी प्रोसेस को, ठीक है, यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल है, पीडीटी मतलब है प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो इंट, कैर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल होते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल मैं दे दूं यहाँ पे, इंट, कैर, ये सब प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, ठीक है, या बेसिक डेटा टाइप भी आप ही नहीं चाहवा कि मतलब नॉर्मल लैंग्वेजेस में प्रिमिटिव बोले बेसिक बोले एक ही बात है. तो जब प्रिमिटिव से हम ऑब्जेक्ट में आते हैं, मतलब अपग्रेड कर रहे हो, एक स्टेप ऊपर आ रहे हो, या ऑब्जेक्ट से वापस प्रिमिटिव में नीचे जा रहे हो, ठीक है, तो इस प्रकार में रैप अनरैप करना पड़ता है. मतलब जब किसी को गिफ्ट दोगे तो रैप करोगे, और जब कोई उसे यूज करने की बात करेगा तो उसे अनरैप करेगा, ठीक है. तो इस प्रोसेस को हम रैपर क्लासेस कहते हैं जावा में. अब क्यों रैपर क्लास चाहिए? क्योंकि इसके ऊपर जो हमने वेक्टर पढ़ा था उसमें कहा था कि वो जो स्टोर करता है वो क्या करता है. देयरफॉर वी नीड टू कन्वर्ट द सिंपल टाइप्स टू ऑब्जेक्ट, बिकॉज वेक्टर किसको कन्वर्ट, वेक्टर किसको स्टोर करता है, ऑब्जेक्ट को. तो हमें रैपर क्लासेस चाहिए होती है, और जब ऑब्जेक्ट से वापस मतलब वेक्टर से वापस लेंगे हम सिंपल टाइप्स में, तो फिर अनरैप करना पड़ेगा. तो इस प्रोसेस को हम रैपर क्लासेस लेते हैं. और वैसे भी ये जरूरत है क्योंकि जावा का पूरा मॉडल ऑब्जेक्ट पे बेसिस है, है ना. तो क्या होता है कि जावा में जो भी चीज कन्वर्ट होती है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होती है, तो यहाँ पे रैपर क्लासेस पीछे से यूज की जाती हैं. अब देयर आर सर्टेन क्लासेस जो कि आपको आती हैं क्वेश्चन एग्जाम में, कि जो आप एज ए स्टूडेंट लेवल पे आपसे पूछी जाती है. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रैपर क्लासेस, ठीक है. सिंपल टाइप क्या है? सिंपल टाइप को हम प्रिमिटिव डेटा टाइप या बेसिक डेटा टाइप कहते हैं, जो मैंने यहाँ लिखा है. सिंपल डेटा टाइप को ये लर्न कर लेना आप लोग, पीडीटी भी कहते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप या बेसिक डेटा टाइप, जो इंट, कैर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, यही सब होते हैं. अब क्या है, अगर सिंपल बुलियन है तो उसकी रैपर क्लास कैपिटल बुलियन के साथ होती है, कैपिटल बी. अगर यहाँ कैर है तो यहाँ कैरेक्टर कैपिटल सी होगा. डबल है तो यहाँ डी कैपिटल होगा, डी इज कैपिटल रेस्ट डबल, ठीक है. फ्लोट है नॉर्मल, तो यहाँ पे कैपिटल एफ हो जाएगा फ्लोट के लिए. यहाँ इंट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीजर क्लास, ठीक है, इंटीजर आई कैपिटल. तो इस प्रकार ये दीज आर कॉल्ड रैपर क्लासेस, ठीक है. अब क्या है, नाउ देयर आर फोर कैटेगरीज वी हैव टू लर्न, लेकिन उन चार कैटेगरीज को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया है जस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो लेट्स अंडरस्टैंड, क्योंकि क्या होता है ना कि हम कभी अपग्रेड करेंगे कभी डाउनग्रेड करेंगे. अपग्रेड मतलब ऑब्जेक्ट में आएंगे, कभी हम ऑब्जेक्ट से वापस भेज सकते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हम क्या कहना चाहते हैं. तो ये जो पूरा पॉइंट है ये चार पॉइंट्स में डिवाइडेड है. इसमें वो कह रहा है फर्स्ट स्टेप में कन्वर्ट द प्रिमिटिव नंबर टू ऑब्जेक्ट नंबर. मतलब क्या, प्रिमिटिव से आप ऑब्जेक्ट पे जा रहे हो, ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप से ऑब्जेक्ट पे जा रहे हो. तो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड, इसका मतलब है प्रिमिटिव से ऑब्जेक्ट पे जा रहे हैं, यहाँ से प्रिमिटिव से ऑब्जेक्ट पे जा रहे हैं. तो ऐसे स्टेप में क्या करना पड़ेगा, उस स्टेप में उसने ये बताया कि अगर आई एक वेरिएबल है आपका, अगर आई एक वेरिएबल है जिसमें आई वैल्यू 10 है, तो आप किसमें लेकर आ रहे हो, ऑब्जेक्ट में, ठीक है. तो इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट इधर होगा, क्योंकि जब हम कहते हैं ए इक्वल टू बी, ठीक है, जब हम कहते हैं ए इक्वल टू बी, इसका मतलब आंसर ए में आ रहा है ना, ठीक है. यहाँ भी तो आंसर हम कह रहे हैं कि प्रिमिटिव किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट में, तो जिसमें आंसर आएगा वो तो इधर बैठेगा ना. जैसे a इक्वल टू बी में इसका मतलब है b अपनी वैल्यू a को दे रहा है, तो a में आंसर आ रहा है. तो जो जिस वैल्यू में आंसर आता है वो हमेशा इस साइड बैठती है एरो, ये इक्वल ऑपरेटर के. तो ऑब्जेक्ट में आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट होना चाहिए. ऑब्जेक्ट किसका होता है, क्लास का. तो पक्की बात है ना कि ये रैपर क्लास लगेगी, तभी तो इसका ऑब्जेक्ट होगा, है ना. तो यहाँ क्योंकि आंसर ऑब्जेक्ट में आना है इसलिए यहाँ ऑब्जेक्ट लगाया, और ऑब्जेक्ट किसका होता है, क्लास का, वो इंटीजर क्लास है यहाँ पे. तो कैसे इंटीजर, कैसे ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है. आप ऐसे बनाते हो, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो ये वैसे ही तो प्रोसेस है, ठीक है. तो इसमें क्या किया, इंटीजर इंट वैल इक्वल टू न्यू इंटीजर. अब जो पॉइंट है वो ये है कि किसको आप कन्वर्ट कर रहे हो. माना कि आप एक इंटीजर है तभी तो उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो वो इंटीजर कौन है, आई. तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इस आई को मैंने कन्वर्ट कर दिया इंट ऑब्जेक्ट में, समझ में आ रही है बात.
मैंने आई जो वैल्यू 10 है उसको फिर से कन्वर्ट कर दिया इंट वैल ऑब्जेक्ट में, इंटीजर से ऊपर ले गई मैं। तो ये प्रोसेस है प्रिमिटिव डेटा टाइप से ऑब्जेक्ट बनाने के प्रोसेस को, इसमें क्या लगती है रैपर क्लासेस। अब आप समझना है इस लाइन को। तो फर्स्ट स्टेप कहता है कन्वर्टिंग द प्रिमिटिव नंबर टू ऑब्जेक्ट नंबर, क्या करते हैं उसके लिए हम रैपर क्लास करते हैं। तो प्रिमिटिव इंटीजर टू इंटीजर ऑब्जेक्ट, ये लाइन समझ लेना अच्छे से। प्रिमिटिव इंटीजर टू इंटीजर ऑब्जेक्ट मतलब न्यू ये क्लास लगेगी, उसमें आई पास होगा। आई कौन? वो इंटीजर जो मैंने बनाया। ऐसे अगर कोई एफ फ्लोट और एफ बनाया हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, फ्लोट फ्लोट वैल इक्वल टू न्यू फ्लोट और एफ पास कर देना। ये इंट वैल फ्लोट वैल ये मेरे बनाए हुए ऑब्जेक्ट है, आप इसकी जगह कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्रैकेट यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि आप जब तक ये दोगे नहीं कि आई कौन है, स्मॉल आई कौन है, स्मॉल एफ कौन है, जिसको कन्वर्ट होना है, आप 10 को 10 का ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जब तक 10 दोगे ही नहीं, तब तक कन्वर्ट किसमें करेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द फर्स्ट स्टेप इज कि आप पीडीटी से ऑब्जेक्ट में आओ। नाउ सेकंड स्टेप इज उल्टा इसका, ऑब्जेक्ट से पीडीटी में। ये लर्न करना पड़ेगा साथ ही साथ, क्योंकि इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। अब ऑब्जेक्ट से पीडीटी में आना है, जब ऑब्जेक्ट से पीडीटी में आए तो क्या करें। अब ऑब्जेक्ट से सेकंड स्टेप में है हम, अब हम ऑब्जेक्ट से पीडीटी में आ रहे हैं, दिस इज दिस स्टेप, ठीक है। तो क्या करना पड़े, अब हमारा आंसर किसमें, इंटरवेल में, क्योंकि इंटरवेल तो ऊपर स्टेट में बन चुका है, वो यहाँ बन चुका है, अब तो हम ऑब्जेक्ट में आ गए। तो ऑब्जेक्ट से किसमें ले लेंगे, इंट वैल्यू। दिस इज द मेथड यू हैव टू रिमेम्बर, इंट वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, डबल वैल्यू, लॉन्ग वैल्यू, और वी कैपिटल रहेगा क्योंकि सेकंड वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट है। तो ऑब्जेक्ट डॉट इंट वैल्यू, ऑब्जेक्ट डॉट फ्लोट वैल्यू, ऑब्जेक्ट डॉट डबल वैल्यू, ऐसे करके। अब आंसर किसमें आना है, आंसर आना है प्रिमिटिव नंबर में, तो इस साइड पे प्रिमिटिव आइटम ही तो बैठेगा, ठीक है। तो जो पॉइंट है वो ये कि इधर पीडीटी होना चाहिए ना, आई जे के जो स्मॉल डेटा टाइप्स है। तो जो पॉइंट है वो ये है कि इधर ये ऑब्जेक्ट में वैल्यू है, ये इंट वैल, फ्लोट वैल, डबल वैल, लॉन्ग वैल्यू, ये क्या कन्वर्ट करेंगे, उसको कन्वर्ट करके नॉर्मल डेटा टाइप्स में आपकी वैल्यू सप्लाई करेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अगर मेरे को प्रिमिटिव से ऑब्जेक्ट पे जाना है, मतलब लोअर स्टेप से ऊपर स्टेप पे जाना है, तो रैपर क्लास लगेगी, इंट वैल उसका ऑब्जेक्ट है, न्यू इंटीजर क्लास का कंस्ट्रक्टर है, आई पास कर दिया या एफ पास कर दिया तो वो कन्वर्ट होके ऑब्जेक्ट में बन जाएगा। तो ये एक स्टेप ऊपर आ गए। लेकिन अब मैं ऑब्जेक्ट के बाद उसको वापस प्रिमिटिव नंबर में लेना चाहती हूँ, तो मुझे क्या मेथड यूज करने पड़ेंगे, इंट वैल्यू और फ्लोट वैल्यू। तो इससे मैं ऑब्जेक्ट से पीडीटी में वापस आ जाऊंगी। तो अभी तक हमने क्या कवर अप किए, ये दो स्टेप, ऑब्जेक्ट से पीडीटी से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पीडीटी, ठीक है। अब क्या होता है, अब आगे एक स्टेप और बढ़ते हैं, कन्वर्टिंग द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट टू न्यूमेरिक ऑब्जेक्ट। नाउ चेक, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से न्यूमेरिक ऑब्जेक्ट। अब ये कब यूज होता है, ये तब यूज होता है जब आपने पास किया 5 अंदर, जैसे दो लोग आपने सप्लाई किए, 5 + 6 को आपने सम निकालना है। तो 5 जब हम एंटर करते हैं, तो मैंने आपको क्लास में एक बार बात कही थी कि सब चीजें स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाती है, 5 और 6 के ऊपर स्ट्रिंग की कोटिंग चढ़ जाएगी, स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएंगे। तो स्ट्रिंग को अब 5 + 6 करेंगे तो फिर 56 दे देगा, जबकि मुझे क्या चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, 11। तो इसका मतलब मुझे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से न्यूमेरिक ऑब्जेक्ट में आना पड़ेगा। तो वो क्या मेथड है जिससे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से न्यूमेरिक ऑब्जेक्ट में आते हैं, उसके लिए मेथड लगता है वैल्यू ऑफ, ओ कैपिटल रहेगा क्योंकि सेकंड वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट है। अब ये एक स्टैटिक मेथड है, तो यहाँ रैपर क्लास का नाम लगता है इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, ये लर्न करना पड़ेगा, फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, अब क्योंकि अब आप देखो इस केस में इधर भी ऑब्जेक्ट है, इधर भी ऑब्जेक्ट है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में, ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से न्यूमेरिक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब कि नॉर्मल 6 को, 6 जो ऑब्जेक्ट बन गया था उस 6 को किस में कन्वर्ट कर रहा है, न्यूमेरिक 6 में, क्योंकि 6 + 5 करेंगे तभी तो 11 आएगा, वरना तो 56 आ रहा था हमारा आंसर, वो गलत है ना। तो वो क्या कह रहा है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से न्यूमेरिक ऑब्जेक्ट में जब कन्वर्ट करना पड़े तो हमारे को ये मेथड यूज करना पड़ता है वैल्यू ओ, ठीक है, और इसमें सप्लाई करना पड़ेगा str, क्योंकि जिसको कन्वर्ट कर रहे हो आप, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लास्ट जो है वो कह रहा है न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स, ठीक है, न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स टू प्रिमिटिव नंबर। ये भी बहुत अच्छा एक एग्जांपल है, इसमें क्या होता है, ये कहता है न्यूमेरिक स्ट्रिंग, ये पार्स इंट, ये आपने बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया हुआ मेथड है। इसमें ये भी देखिए, यहाँ पे भी इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ, यहाँ पे भी आप इंटीजर, ये जो है ना क्लास का नाम जा रहा है, इंटीजर डॉट पार्स इंट एस टी आर, लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग एस टी आर। इसमें क्या है, जो एस टी आर है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, वो सीधा पास करते हैं और वो सीधा डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स टू। नाउ थर्ड एंड फोर्थ में क्या डिफरेंस है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अभी क्या कह रहा है वो, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से न्यूमेरिक ऑब्जेक्ट, जब हम जानते हैं कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट और न्यूमेरिक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम है ही हमारे पास न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स कोई, ठीक है, जैसे कि 6 का ही केस ले लेते हैं, तो मैं ये वाला केस भी लगा सकती थी इसके ऊपर, पीडीटी, ठीक है। ये अपने ऊपर है कि आपको पहले समझना पड़ेगा कि कौन सा केस है,
ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन सबको। अगर मेरे को पीडीडी से ऑब्जेक्ट पे जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट रैपर क्लास लेनी पड़ेगी, आई वैल्यू सप्लाई करनी पड़ेगी जिसमें वैल्यू है, जो अपग्रेड होने वाली है, वो इंट वेल ऑब्जेक्ट बन गया, और जिसने बैठना है वो इस साइड होगा। सिमिलरली अब मेरे को कन्वर्ट करना है किसको, मेरे को कन्वर्ट करना है एक ऑब्जेक्ट को बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप में, तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ से सप्लाई होगा, इंट वेल में वैल्यू ये मेथड होगा और वो आई में वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो कैटेगरी है इसमें राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों पे ही ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से न्यूमेरिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट तो बहुत हर बार ही होगा, न्यूमेरिक ऑब्जेक्ट है नहीं है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। तो यहाँ पे वो कौन सा मेथड है, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ एसटीआर, वो एसटीआर आप सप्लाई करो, वैल्यू ऑफ का मतलब ही वैल्यू, वैल्यू निकाल कर लाएगा वैल्यू ऑफ दी स्ट्रिंग और वो उस ऑब्जेक्ट में लाएगा, क्योंकि दोनों ही साइड ऑब्जेक्ट है, इसलिए इधर भी क्लास स्टैटिक मेथड है, इसलिए इधर भी क्लास का नाम है और इधर ऑब्जेक्ट आया। ये स्टैटिक मेथड है, ये लर्न करेंगे थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरी में, दोनों में ही हमने क्लास का नाम यूज किया है, इंटीजर फ्लोट और यहाँ पे भी इंटीजर लॉन्ग। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो केस है जब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट टू न्यूमेरिक ऑब्जेक्ट है। अभी क्या, कभी कभी न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स होते हैं, वो अभी एग्जाम्पल करेंगे उससे क्लियर हो जाएगा। बट उससे हम क्या कर रहे हैं, अभी तक थर्ड स्टेप में ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जा रहे थे, अब हम ऑब्जेक्ट नहीं आ रहे, अब हम कह रहे हैं हम सीधे ही ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव में आ रहे हैं, क्योंकि बेसिक फंक्शन आपका तभी होगा जब आप प्रिमिटिव में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट डज नॉट नो मल्टीप्लीकेशन, ओनली प्रिमिटिव नंबर नोज मल्टीप्लीकेशन एडिशन, है ना। तो आप क्या करोगे, न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स को जब प्रिमिटिव नंबर में लाओगे तो उसके लिए क्या लगता है, इंटीजर डॉट पार्स एंड, पार्स का मतलब होता है वैल्यू फेच कराना, लॉन्ग पार्स, लॉन्ग पार्स कर दो, उनकी वैल्यू निकाल कर लाओ, है ना, कन्वर्टिंग दिस स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव नंबर। अब क्या होता है कि इसको एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब आपको बेटर क्लैरिटी हो जाएगी। एक एग्जाम्पल है, हमें दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है, दी एजेंडा इज टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स। ठीक है, आई थिंक दी वीडियो लेंथ इज गोइंग अप क्रॉसिंग दी वीडियो लेंथ, सो आई वुड लाइक टू कंप्लीट इन दी अनदर वीडियो, सो उसको नेक्स्ट वीडियो में देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।